नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले बाह्र कक्षासम्म नि शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सिपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक भयो उहाँले नैतिक शिक्षा नहुनाले सामाजिक मर्यादा बिर्सन थालेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बताउनु भयो नेताले गर्न सक्दाखेरि राम्रो पनि गर्न सक्दछ होइन बिगार गर्न खोज्दाखेरि बर्बाद पनि गर्न सक्दछ एउटा राम्रो मान्छेले ठुल्ठुलो परिवर्तन गरेको तपाईँले विभिन्न देशमा देख्नु भएको छ चा। सायद दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ चाहे तो मलेिया को कुरा कर चाहे कुरा छीनकों तंगशियापिंग जस्तों नेता चीन को अर्थतंत्र उनके काया पलट कर दिया थे एट नया उचाई में पुर्यानी काम में अगुवाई करें तर संगा नेता बिगा भूरा को उदाहरण हिटलर जस्तों ताना मुसोलिनी जस्तों ताना देश मत डुबाएन पूरे यूरोप में दुई करोड़भंदा बड़ी मानस को हत्या करने स्थिति सृजना करें तेनालीव को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होना नेतृत्व में पुगे मानसर ने आपने जिम्मेवारी राम्री पूरा कर सको पर्द अठबंधन को सरकार ते को नेतृत्व सरकार को नेतृत्व पुष्पम दहाल प्रचंड नेक माओवादी केन्द्र का नेता वामपंथी नेता को रूप में वहाँ ने वामपंथी सोच भी राख्ह हम संविधान ने सजवाद को मता अंगीकार सजवाद को मन्यता मौलिक हक का विषय वस्तु ये सब कुछ ध्यान में राखर शिक्षा क्षेत्र हमें उच्चतम प्राथमिकता दिखने आवश्यकता शिक्षा ने नहीं ज्ञान भी दी शिक्षा ने नहीं चेतना भी दिशा शिक्षा ने ना नया नया खोज रुसंधान कर प्रेरित हामीले शिक्षा लाई अत्यधिक ठूलो महत्व दिए अगड़ी बढ़ा का लगी शिक्षक मर्यादाला को जीवन स्तर स्तर लो बना का राज्य के विशेष लगानी करी शिक्षा प्रदान करना का लगी हमी एकजना बालक भी विद्यालय भाग न रहूं बने सोच राख सब बाल बालिका न्यूनतम पाने प्लस टू को एजुकेशन एजुकेशनसम पढ़ने वातावरण हमें उपलब्ध कराने पर्द प्रत्येक युवाहर हमें प्राविधिक शिक्षा को शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने पर्च प्राविधिक शिक्षा दूर्द रही हमी तालीम दून प जसले गर्दाखेरि सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन सकोस् त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर रा काम गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो